फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्केमिया डॉट इजी केम एंड फैकल्टी ऑफ फार्मेसी मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर. माई सेल्फ प्रोफेसर जियाउल हक एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू परफॉर्म फ्लेम टेस्ट. आज का वीडियो इस सीरीज का तीसरा वीडियो है. हमारे पहले दो वीडियोज इस सीरीज के देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहां पर लिंक अवेलेबल है. तो आइए देखते हैं हम फ्लेम टेस्ट किस तरह से परफॉर्म करेंगे. फ्लेम टेस्ट, तो हमारे पास चार कंपाउंड्स हैं और हमारे पास एक लिक्विड कंपाउंड भी, हम सभी का फ्लेम टेस्ट चेक करेंगे. फ्लेम टेस्ट यूज होता है डिटेक्शन ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक कंपाउंड. तो अगर आपका कंपाउंड एरोमेटिक है तो फ्लेम टेस्ट में बर्न करेगा सूटी फ्लेम के साथ में, और अगर एलिफेटिक है तो बर्न करेगा नॉन सूटी फ्लेम में. तो सूटी फ्लेम कैसी होती है, नॉन सूटी फ्लेम कैसी होती है, हम सीधा प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं. तो हमारे पास चार सैंपल है, हम स्टार्ट करेंगे नंबर वन से. और आपको क्या करना है, थोड़ा सा सैंपल आपको स्पैचुला पे लेना है और सीधा ब्लू फ्लेम में रख देना है, ठीक है. और रखने के बाद वो पहले मेल्ट होगा, और मेल्ट होने के बाद वो बर्न करेगा. नाउ ये जो बर्निंग हो रही है ये है सूटी फ्लेम के साथ में, है ना. तो सूटी फ्लेम ऐसी दिखती है, ये देखो. अब आपका पूरा कंपाउंड बर्न हो रहा है सूटी फ्लेम के साथ में विद आपका सूट फॉर्मेशन. देख रहे, ब्लैक सूट आपको फॉर्म होते हुए दिख रहा होगा. तो आपका फर्स्ट कंपाउंड आ गया एरोमेटिक, ठीक है. अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे दूसरा हमारा, देखते हैं कैसा बर्न होता है. सैंपल ले लेंगे और सीधा मेल्ट हो जाएगा थोड़ी देर में फ्लेम में रखने के बाद, और उसके बाद देखते हैं कैसा बर्न हो रहा है. अब यहां पर जो आपका बर्न हो रहा है, देखो कोई भी सूटी फ्लेम, इस फ्लेम को बोलते हैं नॉन सूटी फ्लेम, ठीक है. और नॉन सूटी फ्लेम के साथ में कोई भी सूट फॉर्मेशन आपको दिखेगा नहीं. देखो यहां पर आपको फ्यूम्स मिलेंगे व्हाइट, कोई भी कार्बन की फ्यूम्स यहां पर मिलने वाली नहीं है, ठीक है. अब हम लेंगे हमारा थर्ड सैंपल, देखते हैं इसमें क्या है. जो हमारा बेस आया हुआ था, अब इसको बंद करके देखें क्या होता है. तो ये पहले मेल्ट होगा, और मेल्ट होने के बाद ना अब ये वापस से आपकी कौन सी फ्लेम आ गई, सूटी फ्लेम, ठीक है, विथ सूट कंपाउंड है. हम उसे ले लेंगे वापस से स्पैचुला पे और बर्न कर देंगे फ्लेम पे. तो हमारे पास फोर्थ कंपाउंड है, देखते हैं कैसे बर्न होता है. अगेन आपको कौन सी फ्लेम मिल रही है, सूटी फ्लेम, ठीक है. तो आपको तीन कंपाउंड मिल गया एरोमेटिक, और आपका एक कंपाउंड मिल गया एलिफेटिक, ठीक है. तो आपके सूट फॉर्मेशन के साथ में ये रिएक्शन होती है. सूट इसलिए क्योंकि कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है एरोमेटिक में, तो जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स आर बर्न विथ सूटी फ्लेम. ना हमारे पास एक लिक्विड सैंपल है, हम इसे भी चेक कर लेते हैं. इसके आप क्या कर सकते हैं, स्पैचुला पे हल्का सा ले लें, या आप इसको ग्लास रॉड पे भी कर सकते हैं, हम दोनों करके देखेंगे. हमने स्पैचुला पे ले लिया, और आप इसे बर्न करके देखें क्या होता है. तो फ्लेम पे इसे भी रख दें, ये भी बर्न होगा आपका आइदर सूटी और नॉन सूटी फ्लेम के साथ में. ना ये बर्निंग स्टार्ट हो गई है, दिख रही है आपको. अगेन यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, सूट फॉर्मेशन. तो आपका जो लिक्विड सैंपल है वो भी क्या है, एरोमेटिक. अगर आपको स्पैचुला पे नहीं करना है तो आप ग्लास रॉड का भी यूज़ कर सकते हैं. आप डिप करें इसे, नाउ ग्लास रॉड से भी आप इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं. ग्लास रॉड डिप करें और सीधा फ्लेम पे रख दें, देखते क्या होता है. नाउ अगेन आपको किसका फॉर्मेशन दिख रहा है, सूट फॉर्मेशन दिख रहा है, और आपकी ग्लास रॉड पूरी ब्लैक हो जाएगी, ये देखें. तो आप ये टेस्ट इस पर भी कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर अपडेट्स. थैंक यू वेरी मच.